पर हो सकती है घोषणा। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की मंडी हाउस के पास धारा 144 लागू, किसान के समर्थन में मार्च निकाल रहे वाम दल। और दिल्ली में इजराइल दूतावास ब्लास्ट केस में एनआईए ने दर्ज किया मामला, कल गृह मंत्रालय ने सौंपी थी जांच। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। देश की प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया 2021 के 13वें संस्करण का आयोजन बेंगलुरु के यहलका एयरफोर्स स्टेशन पर हो रहा है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका आयोजन कर रहा है। इस शो के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में भारत दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। इस 3 दिवसीय शो का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। उन्होंने पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत कई मोर्चों पर खतरों और चुनौतियों का सामना कर रहा है। वह एक देश की ओर से प्रायोजित आतंकवाद का शिकार है, जो अब एक वैश्विक खतरा बन चुका है। हमने अपनी सीमाओं पर यथास्थिति बदलने के दुर्भाग्यपूर्ण प्रयासों को देखा। उन्होंने ये भी कहा कि देश हर कीमत पर अपने लोगों और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए किसी भी दुस्साहस का मुकाबला करने और उसे हराने के लिए सतर्क और तैयार है। इस अवसर पर तीनों वायुसेना अध्यक्ष मौजूद रहे। DRDO is continuously developing technology that will help us in achieving all the goals. Friends, it is in pursuit of these goals that we had many successful trials recently, like Akash Yanji missiles, anti-radiation missile, Rudram, Yamar Sen, etc. In many of our tests, we have got success in our maiden attempt itself, that is in our very first attempt, and this is our great achievement. The successful testing of the anti-satellite missile Shakti, years ago, is an example of this. DRDO's recent research and development successes reflected the continued efforts you all have been putting to make new and better technological equipment and हरियाणा के जींद से सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त में पहुंच चुके हैं। महापंचायत की जा रही है, जहां पर इस वक्त आप तस्वीरों में किसान नेता राकेश टिकैत को भी देख सकते हैं। यहां पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे की रणनीति पर किसी तरह की कोई चर्चा जो है वो यहां पर हो सकती है। जिसमें राकेश टिकैत भी मौजूद हैं। आपको जानकारी दे दें, हरियाणा के जींद में महापंचायत हो रही है और इसमें 50 खापों के जो प्रतिनिधि हैं वे भी शामिल बताए जा रहे हैं। महापंचायत में राकेश टिकैत किसान आंदोलन के आगे की रणनीति जो है वह तय करेंगे। वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। देश की शीर्ष अदालत ने इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में घटना की जांच शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग बनाकर कराए जाने का अनुरोध किया गया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दायर चारों याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि सरकार इस मामले को देख रही है, हम नहीं समझते कि हमें इस मामले में दखल देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है, कानून अपना काम करेगा।
26 जनवरी को दिल्ली में लाल किले पर हुए हंगामे का एक और वीडियो दिल्ली पुलिस ने जारी किया। वीडियो में हंगामे को साफ तरीके से देखा जा सकता है। हिंसा फैलाने वाले आरोपियों की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। उधर दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह पर 1-1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू के अलावा कई लोगों की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया। दिल्ली पुलिस ने एक नई एसआईटी टीम का गठन किया है, जिसका नेतृत्व संयुक्त आयुक्त बीके सिंह और 3 डीसीपी जॉय तुर्की, विष्णु सिंह और मोनिका भारद्वाज करेंगी। ये 26 जनवरी को हुई हिंसा की बारीकी से जांच करेंगे। जानकारी के लिए आपको यहां बता दें कि 26 जनवरी के बाद से मुख्य आरोपी दीप सिद्धू, पूर्व गैंगस्टर लखा सिधाना और लाल किले पर झंडा फहराने वाला जुगराज सिंह फरार है। छब्बीस जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद कमजोर पड़ते किसान आंदोलन में जान डालने वाले किसान नेता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर ही अड्डा जो है वो जमाए हैं। इस कारण सुरक्षा के लिहाज से यह आंदोलन स्थल सबसे ज्यादा संवेदनशील बन गया है और यही कारण है कि धरना स्थल तक पहुंचने और वहां से वापसी करने वालों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। अवांछित तत्व अचानक से उत्पात करें तो उन्हें धरना स्थल तक ही रोक कर रखा जा सके, इसका सख्त इंतजाम किया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर बाड़ेबंदी की तस्वीरें देखकर आप चौंक सकते हैं, लेकिन जिस तरह के खुफिया इनपुट आ रहे हैं उससे कड़े एहतियाती कदम उठाने की दरकार जो है वो महसूस हो रही है और यही वजह है कि यहां कीलों, कांटेदार तारों और बैरिकेड्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। वहीं धरने पर बैठे किसानों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। थोड़ी लिमिट थी, अब तो लिमिटेड हो गए हैं, अब में लाइनिंग में लगना पड़ता है। पहले आराम से सब कुछ हो जा रहा था, अब नहीं हो पा रहा है ऐसा कुछ भी। बैरिकेडिंग की वजह से जी, मतलब क्या ऐसी बैरिकेडिंग से क्या प्रॉब्लम हुई थी? बैरिकेडिंग से ये हुई कि हम जो थे आधी उधर थी, शौचालय की जितनी सुविधा थी आधी उधर हो गई, आधी इधर हो गई, तो इसमें थोड़े बट सी गई है, इसलिए कमी हो गई थोड़ी इधर के लिए जी। और क्या दिक्कत है अगर आप बता सकें? ये और तो जी बस थोड़ा पानी वानी की थोड़ी लाइन सी लगी है, यहाँ थोड़ी कमी सी और की, इतना हुआ है, इतना हुआ है पहले से। क्या पुलिस लंगर को लेकर भी कुछ कह रही है, लंगर लगाने में या फिर नहीं? लंगर के उन्हें कुछ वो नहीं कह रही है अभी तो जी, शांति के हम कहते शांति से सब काम हो जाए, इतना अच्छा है अभी तो, कुछ वो नहीं है उनकी तरफ से कोई रोध। यहाँ अंदर कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं इधर, कोई वो दिक्कत नहीं, सब शांति के साथ हो रहा, प्यार से हो रहा सब कुछ। नाम सचिन। बैरिकेड की वजह से आप लोगों को कोई किसी तरह की दिक्कत सामने आ रही है बाथरूम एक्सेस करने में, जब आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हो तो इस तरह की समस्या? देखिए बैरिकेड से समस्या तो है ही, देखो आने जाने के लिए, उसके लिए जो खुला रास्ते में जो लोग जा चुके हैं वे नहीं जा पा रहे हैं, बैरिकेड अड्डा हुआ है सारा। एम्बुलेंस आने में वो रास्ता खोलने के लिए, सबके लिए एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता रोक दिया गया है यहाँ अडाने के लिए। कम से कम ये खुला हो तो किसान अपना इधर से उधर आ जा सकता है, यही प्रॉब्लम है इससे आने के लिए, शौचालय जाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए भी अड़ी हुई है, सब जगह जाम कर दिया है इन रास्ते। रास्ता तो कम से कम खुला हो सरकार से, शौचालय की दिक्कत है, सब कुछ है यहाँ। सरकार को कम से कम, जब आंदोलन में पड़ा हुआ किसान यहाँ है, इसका ध्यान नहीं रख ले आंदोलन का, तीन किसी कानून का ध्यान नहीं रख रही सरकार, कम से कम शौचालय का उसका तो प्रतिबंध ना लगाए किसान को, किसान के किस तो जी उसका क्या कहना, क्या वो लोग रोकते हैं जाने के लिए? लोग रोकते हैं, लाइट वगैरह भी मारते हैं, वो सिटी में मारते हैं, जो इधर से बैरिकेड पार करके जाते हैं लोग शौचालय के लिए, उसके लिए भी रोकते हैं, वो बोल रहे हैं कि इधर मत आओ उधर। वहीं उत्तर प्रदेश में मथुरा के बलदेव इलाके के अवैरनी चौराहे पर कृषि बिल के विरोध में महापंचायत शुरू हो चुकी है। किसान महापंचायत में लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। महापंचायत में किसान नेता भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत और गौरव टिकैत राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष मथुरा पहुंचेंगे और आगे की रणनीति पर फैसला होगा कि किसान दिल्ली कूच करेंगे या कोई और फैसला लिया जाएगा। वहीं हरियाणा के जींद में किसान आंदोलन को लेकर महापंचायत हो रही है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत शामिल है।
उधर किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि जींद महापंचायत में किसानों को सही दिशा में विचार करना चाहिए। सरकार 3 कानूनों को 1.5 साल तक अमल नहीं करेगी और इसमें जो भी सुधार करना होगा उसके लिए तैयार है। उन्हें पंचायत में इन सब पर चर्चा करना चाहिए और आंदोलन को खत्म करना चाहिए। किसानों के नेताओं की महापंचायत हो रही है, उसमें मुझे लगता है कि सही दिशा से विचार होना चाहिए। एक तो ये जो कानून है, कानून किसानों के भलाई के लिए किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी गलतफहमियां हो चुकी है, किसानों को भड़काया जा रहा है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है, सरकार ने भी बोला एक बार 1.5 साल तक हम इसकी अमल में ये कानून नहीं लाएगी और इसमें जो भी अमेंडमेंट चाहिए वो अमेंडमेंट करने के लिए सरकार तैयार है। तो आज महापंचायत में इसका पॉजिटिव विचार होना चाहिए और आंदोलन खत्म करने की आवश्यकता है। जो सिंधु बॉर्डर का आंदोलन है, गाजीपुर बॉर्डर का आंदोलन है, ये ठंडी में किसानों को तकलीफ देना ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये आंदोलन गलत दिशा से जा रहा है। 26 जनवरी को जिस तरह तिरंगे का अपमान हुआ है और अगर उनको रोका जाता था तो फिर और बवाल हो जाता था, इसीलिए उनको 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली को। जींद में किसान आंदोलन को लेकर कोई नई रणनीति बनाने के लिए किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस महापंचायत को लेकर यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, वो अक्टूबर तक करें चाहे नवंबर तक करें या पूरा साल करें, किसी को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है। ये संवैधानिक अधिकार होता है। अगर किसी बात का हमें प्रतिकार करना है, विरोध करना है, तो संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, लोग करें आंदोलन, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। आंदोलन हो लेकिन तिरंगे का अपमान न हो, देश की छवि खराब न हो, आम जन जो हैं उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए और उनके सामने किसी प्रकार की समस्या पैदा न करें तो आंदोलन करें, क्या हर्ज है। लेकिन पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं, अभी एक ट्वीट आया है, पूरे दुनिया के स्तर पर किस तरह से देश को बदनाम कर। वहीं किसान आंदोलन को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, तो वहीं आप नेता संजय सिंह ने कहा कि सदन में हम तीनों को एक दिन के लिए सस्पेंड किया है, लेकिन इस सस्पेंड से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम किसानों के हक में आवाज उठाते रहेंगे। इस देश के अन्नदाता है, उनको आप आतंकवादी कह रहे हैं, उनको आप गद्दार कह रहे हैं, उनको आप किसान होने के बावजूद लाठियों से पीट रहे हैं, उनकी आंखें फोड़ रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। देशद्रोह, इतना अत्याचार, इतना जुल्म, इतनी जाति इस सरकार ने कर दी है कि इनके आगे हिटलर भी फेल है, ऐसी सरकार है ये। इसलिए आज हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया कि सबसे पहले सदन के अंदर किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो और ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। वार्ता से काम नहीं चलेगा। 11 दौर की वार्ता हो चुकी, वो वार्ता फेल हो गई। अब इस देश के किसानों को ये तीनों काला कानून वापस चाहिए। अपने 4 पूंजीपति मित्रों के दबाव में ये काला कानून देश में लाया गया है मोदी जी के द्वारा, और इसीलिए इसको वापस नहीं किया जा रहा। हम लोग पहले दिन से इसके विरोध में हैं और आज भी इसका विरोध हमने किया है। कोई मुद्दा नहीं, सबसे पहले किसानों के मुद्दे पे चर्चा हो सकती है और बिल वापस। खबर दोपहर में, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB News। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली किसान आंदोलन में शामिल होने आए कुछ किसान लापता हैं, जिसको लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लाल किला हिंसा के चलते दिल्ली के अलग अलग जेल में गिरफ्तार किए गए कुल 115 लोगों की लिस्ट जारी की, ताकि लापता लोगों में अगर उनका नाम हो तो उनके परिवार तक जानकारी पहुंच जाए और बाकी जो किसान लापता है उनको जल्द से जल्द ढूंढने के लिए केजरीवाल ने महाराष्ट्र के पुणे में पिछले हफ्ते एल्गार परिषद के कार्यक्रम में शर्जिल उस्मानी के विवादित भाषण के खिलाफ FIR दर्ज की गई। उस्मानी के खिलाफ मामला दर्ज करने की शिकायत भारतीय युवा जनता मोर्चा के क्षेत्रीय सचिव प्रदीप गावड़े ने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता शर्जिल उस्मानी के खिलाफ ये FIR IPC की धारा 153A के तहत पुणे के स्वारगेट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। शर्जिल उस्मानी पर भारत और हिंदू समाज के खिलाफ उकसाने वाले और भड़काऊ भाषण देने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। शर्जिल उस्मानी के खिलाफ हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए मुकदमा दर्ज किया है। हमने कल एक एप्लीकेशन दी थी कि उनके खिलाफ भारत के तमाम हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए और समाज में तनाव की परिस्थिति निर्माण करने के लिए गुना दाखिल किया जाए, जो आज पुणे पुलिस ने IPC की धारा 153A के अंदर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हमने पुणे पुलिस से ये रिक्वेस्ट की है कि शर्जिल उस्मानी के खिलाफ IPC 124A के अंदर भी मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने कल कहा था कि वो इंडियन पार्लियामेंट में बिलीव नहीं करते, वो इंडियन स्टेट में बिलीव नहीं करते, जुडिशरी में बिलीव नहीं करते। ये क्लियरली 124A के अंदर ऑफेंस है, तो हमने पुणे पुलिस से कहा है कि उसको 124A के अंदर भी बुक किया जाए। पुणे पुलिस ने इसके ऊपर कहा है कि वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और बुक करेंगे। हमने साथ ही में पुणे पुलिस से ये भी कहा है कि जो आयोजक है एल्गार परिषद के, उनके खिलाफ भी याचिका दायर, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उनका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद कांग्रेसी सांसद शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई समेत तमाम जो बातें हैं वो सामने आ रही है। आपको यहां पर जानकारी दे दें कि लगातार जिस तरह से किसान आंदोलन अपने आप चरम पर है और उसी तरह से जो विपक्ष है वो भी लगातार अब निशाना साधता नजर आ रहा है। कई लोगों पर हिंसा भड़काने के आरोप में कई राज्यों में मामले जो हैं वो भी दर्ज किए जा रहे हैं और इन्हीं मामलों को लेकर दोनों शीर्ष अदालत का दरवाजा जो है वो खटखटाया है। कांग्रेसी नेता शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई के अलावा वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ, अनंत नाथ ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अभिजीत मिश्रा नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 20 थाने में शशि थरूर समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायत के आधार पर दर्ज FIR में कहा गया कि इन नामजद लोगों ने 26 जनवरी को गलत पोस्ट किए और दंगा भड़काने की साजिश की। पुलिस को दी गई शिकायत में मिश्रा ने बताया कि वह परिवार के साथ सेक्टर 74 सुपरटेक कैपटाउन में रहते हैं। उनका आरोप है कि 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के पीछे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई, पत्रकार मृणाल पांडे, पत्रकार जफर आगा,
परेशनाथ, अनंतनाथ, विनोद के जोश और एक अज्ञात है। उधर बिहार के राजापाकर के भलोई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक स्थानीय महिला विधायक प्रतिमा कुमारी के साथ सरेआम छेड़खाने का मामला सामने आया। अश्लील हरकतें करता हुआ एक युवक मंच पर चढ़ गया और विधायक के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करने लगा। इससे नाराज विधायक ने उसे सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। बताया जा रहा है कि भलोई में फैंसी क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था और इस उद्घाटन समारोह में विधायक आमंत्रित थी। विधायक प्रतिमा ने बताया कि कार्यक्रम के मंच पर मेरे अलावा महुआ के विधायक मुकेश रोशन समेत इलाके के कई लोग मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मैंने देखा कि एक व्यक्ति लगातार मुझे अश्लील इशारे कर रहा था। इसके बाद मैंने अपनी नजरें हटा ली, लेकिन व्यक्ति ने हद पार कर दी। जब वो मंच पर चढ़ गया और उसने मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, इसके बाद मेरे लिए सहन करना मुश्किल हो गया और मंच से नीचे उतरकर उस व्यक्ति को करारा तमाचा मारा। यह मामला 30 जनवरी का है और विधायक ने कहा कि वह एसपी से मिलकर मामले की शिकायत करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। प्रदेश में बदमाश आए दिन किसी न किसी घटना को अंजाम देते रहते हैं। मामला थाना फतेहगंज का है, जहां पर बदमाशों ने एक ज्वेलर व्यापारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। दुकानदार दुकान बंद करके घर जा रहा था, तब बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरे देश की नजर जहां पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों के आंदोलन पर है, तो वहीं पंजाब में सियासी और राजनीतिक दलों में आने वाली नगर काउंसिल के चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। और इसी के बीच पंजाब के पूर्व मंत्री डॉक्टर उपेंद्रजीत कौर ने नगर काउंसिल में अकाली दल के उम्मीदवारों के साथ हो रही नाइंसाफी का संज्ञान लिया, तो साथ ही नगर काउंसिल में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को साथ में लेकर चुनाव ऑब्जर्वर से मिलने पहुंची, जिसका संज्ञान लेते हुए चुनाव ऑब्जर्वर ने तुरंत उच्च अधिकारियों की एक आपातकालीन मीटिंग डीसी दफ्तर में बुलाई, जिसमें जिला कपूरथला के डीसी, एडीसी और सुल्तानपुर लोधी के एसडीएम, एसएसपी और जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत की और अकाली दल के दोबारा चुनाव लड़ रहे 13 उम्मीदवारों ने अपनी समस्याएं चुनाव ऑब्जर्वर के समक्ष रखी। दुनिया विच सब तो वड्डे लोकतंत्री मुल्क दे विच अते पंजाब वर्गे न्यायकारी राज दे विच एडा वड्डा धक्का हो रहा है। जिन्हें भी श्रोमणी अकाली दल दे उम्मीदवार हन, उन्हां दे नाल जो प्रशासन है उन्हां वल्लों वितकरा मूलक नीति अपनाई जा रही सी। इस संबंध दे विच असीं मुड़ मुड़ के जो जिले नाल संबंधित अधिकारी हन, कहण तो भाव एसडीएम अते डिप्टी कमिश्नर दे नाल गल कीती, उन्हें साडी गल भी सुनी, पर गल सुनन तो बाद भी उन्होंने उस ते अमल नहीं किया, न्याय नहीं दिता ते धक्के छाई जारी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना बार इंचार्ज निरीक्षक अंजनी कुमार ने दबिश देकर चंदन के तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस को सारण चौराहे पर गाड़ी में 130 बूटा चंदन की लकड़ी की तस्करी होने की सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तस्करों को चारों तरफ से घेरकर पकड़ लिया और एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपियों से 3 क्विंटल चंदन की लकड़ी बरामद की। थाना बार क्षेत्र में कुछ अपराधी पकड़े गए जो लकड़ी के तस्करी में काफ़ी लंबे समय से लिप्त भी हैं और इनके पास से जो है 130 बोटा खैर की लकड़ी, वजन करीब 30 क्विंटल, जो एक पिकअप पे लाद करके तस्करी में संलिप्त थे, जिसमें 4 अभियुक्त थे कुल। उसमें 3 अभियुक्त कल्लू प्रजापति, जयराम प्रजापति, दीपक पुत्र नारायण और एक चौथा अभियुक्त चार्ली राजा मौके से भागने में सफल हो गया है।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए शहर के व्यापारियों और आमजन से कैमरे लगवाने की अपील की है। हाल ही में जिले में हुई वारदातों में सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को जल्द पकड़ लिया गया। हालांकि जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो जिले में अभय कमांड योजना शुरू की गई है। इस योजना में लगभग 300 से ज्यादा कैमरे शहर में लगने वाले हैं। ये योजना शुरू तो हो चुकी है, वर्तमान में 19 कैमरे सीधे अभय कमांड कार्यालय से जुड़े हैं, तो वहीं 69 कैमरे शहर में विभिन्न जगहों पर चालू हैं। और वर्तमान में अभय कमांड योजना के विस्तार का काम लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव का कहना है कि हाल ही में जो दो वारदातें हुई उसमें सीसीटीवी की मदद मिली और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हुए। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी का इस समय काफी महत्व है और अब सस्ते कैमरे आने लगे हैं। हाल ही में हुई वारदातों के दौरान पुलिस ने शहर में सीसीटीवी खंगाले तो लगभग शहर में 250 से 300 कैमरे लग रहे हैं, उनमें से 70 चालू भी हैं। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज़।